हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब घातांकरणी जो कि लगभग समाप्ति होने वाला है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ए का पावर 4, ए का पावर 8 है, फिर ए का पावर 16 है, इसी तरह यह इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। ए का पावर 4, ए का पावर 8, अगर ए का पावर 8 यहाँ से बाहर निकाले तो हो जाएगा ए का पावर 8 और यहाँ √1। तो अब फिर ए का पावर 4, अब यहाँ से क्या करें, ए का पावर जो है ये दोनों से अगर यहाँ ए का पावर 4 हो जाएगा तो इसका √1, इसका √1 हो जाएगा √1 और प्लस हो जाएगा √1। यहाँ एक का वर्गमूल नहीं निकाल लेना है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको ए का पावर 4 और जो है ये हो जाएगा 1 प्लस ये, और यहाँ 1 छूट गया था, √1 1 और इस तरह से इनफाइनाइट। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। 1 प्लस √1 इज इक्वल टू हम लोग एक्स मान लेते हैं इसे। तो अब हो जाएगा ये, अब जो है यदि हम लोग इसे ही सॉल्व कर लें, हम लोग इसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग 1 प्लस और एक्स स्क्वायर। अब हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी प्लस √d। डी का वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर, यह 5 आ जाएगा, 2 × 1। इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा अब ए का पावर 4 और 1 प्लस, इसका वैल्यू आप निकाल लिए हैं, इसका वैल्यू आप निकाला है 1 प्लस मतलब √5 प्लस 1/2। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। 3 है, 4 का पावर एक्स है, 6 का पावर एक्स है माइनस, और 2 × है 9 का पावर एक्स 0। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसे क्या कर देते हैं, जैसे सॉल्यूशन में
थ्री चार बटे नौ का पावर एक्स, छ बटे नौ का पावर एक्स और माइनस दो और नौ का पावर एक्स, जीरो नौ का पावर एक्स, ये तो कट जाएगा। तो अब सवाल है, अब हो जाएगा ये दो बटा तीन का, इसे आप ऐसे लिख दें, दो बटे तीन का हो जाएगा पावर एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ जो है दो बटा तीन हो जाएगा और पावर एक्स माइनस टू जीरो। अब आप दो बटा तीन का पावर एक्स को वाई मान लीजिए, लेट, तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई, तीन दूनी छ हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू वाई। अब आप देखिए आपको आ जाएगा थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री वाई मतलब y का वैल्यू आ जाएगा दो बटा तीन। वाई आप किसको माने हैं, दो बटा तीन का पावर x, दो बटा तीन का पावर x ये कटेगा, x का वैल्यू वन आएगा और फिर y प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पर दो बटा तीन, दो बटा तीन का पावर x और ये जो है होगा नॉट पॉसिबल। इस तरह से इस प्रकार जो है हमारा x का वैल्यू वन आया। समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आ रहा है, ये क्वेश्चन है, देखिए छ का पावर और जो है इज इक्वल टू दिया हुआ है दो का पावर n और n का वैल्यू पूछा जा रहा है हम लोग से। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, छ का पावर छ छ बार है तो हो जाएगा छ गुने छ का पावर छ, ये हो जाएगा तीन गुना तीन का पावर छ। ये गुना जब होगा तो ये उलट जाएगा, मतलब अंश हर अंश बन जाएगा दो गुना, और ये हो जाएगा चार का पावर छ गुना चार। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कटेगा और ये भी कटेगा, तो यहाँ जो है यहाँ दो गुना ये छ को लिख सकते हैं, तीन का पावर छ दो का पावर छ, इसे जो है दो का पावर छ, और ये हो जाएगा ये चार का पावर छ है तो दो का स्क्वायर का पावर छ। तो अब ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू दो का पावर n है। अब देखिए दो का पावर छ, दो का पावर छ यहाँ दो बार है और यहाँ भी जो है दो का पावर छ, तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी तो यहाँ से कट रहा है, पूरा जो है टर्म सब कट गया। मतलब अब जो है दो का पावर जीरो और दो का पावर जीरो इज इक्वल टू वन आया, दो का पावर जीरो
और सॉरी 2 का पावर n था, ये कटेगा, n इज इक्वल टू 0 आएगा। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का, e टू दी पावर x है, e टू दी पावर माइनस x है का होल स्क्वायर है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर और का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम लोग को यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला को कैच कर रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, हो जाएगा 4ab और ये जो है कटेगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का कट गया, माइनस 2ab आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 2ab और इसका 2ab तो 4ab। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का पावर 1/3, y का पावर 1/3 और 0 दे रहा है, देन कह रहा है बताइए x प्लस y प्लस z का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे बड़ी बात है सॉल्यूशन में जाएंगे, x का पावर 1/3, y का पावर, तो ए जोर बी जोर सी का मान 0 दे दिया, इसीलिए क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हो जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू 3ab और c। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा और अब हो जाएगा x प्लस y प्लस z का होल क्यू, तो यहाँ पर जो है 3x का पावर 1/3, y का पावर और z का इसका होल क्यू होगा 27xyz। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 27xyz। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए छठा नंबर 5 का पावर एक्स है, 3 का पावर वाई 8 है, 5 का पावर एक्स माइनस और वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2। हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। आप क्या कर दीजिए, इसे 5 का पावर x को a मान लीजिए, 3 का पावर y को b मान लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 8। 5 का पावर है x माइनस 1, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर x बटा 5 का पावर 1, 3 का पावर y, तो इसे आप क्या कहते हैं, a बटा 5 और b बटा 3। अब हो जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू हो जाएगा 30, इक्वेशन 1, और इसे 1 कर दीजिए, इसको 2, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a 5b और ये होगा, ये कटेगा 2a, ए का मान 5 आएगा और ए भी मिला के 8 है, तो बी का मान 3 आएगा, तो 5 का पावर एक्स इज इक्वल टू ए, 5 का पावर 1 मतलब एक्स का मान 1 आया, और 3 का पावर वाई बी, 3 का पावर 1, 3 कटेगा, वाई इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। देखिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग का नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर y, y का पावर x और है x स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यू, और x y का वैल्यू डिमांड कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे, जैसे x का पावर y, y का पावर x है, यहां से आप x स्क्वायर y क्यू, यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए आप, जो मन करता है आपको, x इज इक्वल टू y का पावर 3/2। यहाँ पर x y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू रख दीजिए ना, x का वैल्यू y का पावर 3/2 और y, फिर यहाँ y x का वैल्यू y का पावर 3/2, तो y का पावर हो जाएगा 3/2 y का पावर हो जाएगा y 3/2, ये कटेगा, अब होगा 3/2 y, और y का पावर है 3/2, y का पावर यहाँ 1 है, जब ये कटेगा तो y का पावर हाफ बचेगा, और हो जाएगा ये 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हाफ है पावर तो 2 हो जाएगा, वाई आया 9/4। तो आप जो है एक्स का मान निकालना चाहेंगे, तो वाई का पावर है 3/2, वाई का मान आप जान रहे हैं 9/4 का, तो अब हो जाएगा ये 3/2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो ये 27/8 आया। समझे कि नहीं, बहुत टॉप क्लास का प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट।
देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का, एक्स इज इक्वल टू है क्यूब रूट ए और ए बटा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि ए का पावर एक बटा तीन, और ऐसे भी ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। और देन कह रहा है, देन कह रहा है बताइए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, इसका वैल्यू बताना है। और देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे, क्यूब रूट ए एक बटा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि देखिए घनमूल है, इसको हटाना है तो क्यूब करना पड़ेगा, एक्स का पावर तीन क्यूब रूट ए, तो यहाँ लिखा जाएगा ऑन क्यूबिंग। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब इसका जब क्यूब होगा तो ये हट जाएगा, ए क्यू बी क्यू थ्री ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा ए बी इंटू ए माइनस बी, तो अब जो है ये तो कट जाएगा, अब हो जाएगा ये एक्स क्यूब ए माइनस एक बड़ा ए थ्री, इसका वैल्यू देखिए लिखा हुआ है एक्स, अब ये इधर आएगा, इतना का वैल्यू चाहिए, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स ए माइनस एक, इसे ऐसे भी लिख सकते ए माइनस ए का इनवर्स, समझे कि नहीं प्लीज कमेंट। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का है ए प्लस थ्री रूट टू है और बी रूट एट है प्लस ए माइनस वन, फाइंड करना है ए प्लस बी। सबसे बड़ी बात है देखिए सॉल्यूशन में हो जाएगा रूट ए, आप जो है ए प्लस थ्री रूट टू प्लस और जो है थ्री है, इसको कर दीजिए आप दो रूट दो और प्लस ए माइनस वन। इसमें देखिए अगर आप, अब आपका देखिए ये जो है ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो आप इसे जो है अगर ये इसके बराबर हो जाए और ये टर्म जो है पूरा इसके बराबर हो जाए, थ्री इज इक्वल टू ए माइनस वन
और a प्लस रूट थ्री और टू रूट टू गुना बी, ये तो सॉरी यहाँ रूट टू होगा, रूट टू कटेगा, टू बी है, a प्लस थ्री इज इक्वल टू टू बी। यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है फोर। यहाँ आपने क्या किया है, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, और यहाँ आपने किया है रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। a का वैल्यू फोर आया तो हो जाएगा चार प्लस तीन। तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है a प्लस बी, ए का मान चार आया और b का मान आएगा सात बटा दो, चार दूना आठ, पंद्रह बटा दो आया। समझे कि नहीं प्लीज कमेंट। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, है थ्री रूट टू रूट थ्री प्लस रूट सिक्स माइनस है फोर रूट थ्री रूट सिक्स प्लस रूट टू और फिर है रूट सिक्स और रूट दो प्लस रूट थ्री। इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में, थ्री प्लस रूट टू है, रूट सिक्स प्लस और ये हम लोग का प्रॉब्लम है, लिखना चाहिए बड़ी प्लस छोटी या बड़ी माइनस छोटी, उससे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको सुविधा होगा घटाने में। अब हो जाएगा थ्री रूट टू, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, छ में तीन घट जाएगा, रूट सिक्स प्लस है और रूट सिक्स रूट थ्री माइनस, तो ये क्या होगा कटेगा, ये कटेगा, छः दूना बारह हो जाएगा, ये रूट सिक्स हो जाएगा, रूट अठारह हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस रूट सिक्स हो जाएगा, रूट अठारह होगा माइनस, अब देखिए रूट कट जाएगा, रूट एटीन कट। समझे कि नहीं, देखिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट छब्बीस है पंद्रह रूट थ्री बटा है फाइव रूट टू और अड़तीस प्लस है फाइव रूट थ्री और पूरा स्ट्रक्चर का है होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ वर्गमूल निकलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये टू ए बी, यहाँ हमेशा सम संख्या होना चाहिए, अगर विषम रहेगा तो अंश हर को दो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल अब जो है स्क्वायर छोड़ दीजिए, छब्बीस है तो इसको बावन कर दीजिए,
और ये 30 रूट थ्री कर दीजिए और बड़ा दो कर दिया। यहाँ पर जो है 5 रूट दो है, यहाँ भी देखिए 5 है, कर दीजिए 76, 10 रूट थ्री बड़ा दो। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल कितना आएगा? ये जो है आधा 30 का हो जाएगा 15 रूट थ्री। अगर 5 से काटेंगे, 3 से काटिए, 3 से 5 रूट थ्री, रूट थ्री से काटिए, ये 27, 25, 52 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 3 रूट थ्री। हमेशा ध्यान रखना है बड़ी माइनस छोटी, जब माइनस रहेगा तो बड़ी माइनस छोटी का होल स्क्वायर, ये 27 आएगा और ये 25, बटाम हो जाएगा रूट दो। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा? 10 है, आधा कर दीजिए 5 रूट थ्री, पूरा से काट दीजिए 75, 76। अब हो जाएगा 5 रूट टू माइनस 5 रूट थ्री और प्लस 1 बाय रूट टू, रूट टू रूट टू तो कट जाएगा, 3 रूट थ्री माइनस 5। अब यह हो जाएगा 10 माइनस 5 रूट थ्री माइनस 1। अब जो होगा ये, अब ये 3 रूट थ्री माइनस 5, अब ये 10 है, 10 में एक चला जाएगा, 9 बचेगा। आप यहाँ क्या कीजिए, रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 3 रूट थ्री तिंदिया 9 माइनस 5, ये कटेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं होल स्क्वायर है स्ट्रक्चर का, तो हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। आपका आंसर जो आएगा 1/3 आएगा। समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट। देखिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग का है 1/√11 - 2√30, 3/7 - 2√10 और माइनस है 4/8 + 4√3। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसे हम लोग लिख देंगे, ये तो 6 5 30 6 5 11, ये हो जाएगा क्लियर है √6 - √5, 5 2 10 5 2 7 √5 - √2, ये है 4√3, इसको कर दीजिए 2√3। अगर हमको 8 चाहिए स्क्वायर करके, तो 2 से काटिए √3 आएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को 8 भी चाहिए, तो आप इसे जो है अगर √2 से काटने तो क्या होता है, √2 से काटेंगे तो √6 हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा √6 + √2। अब हो जाएगा ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, बटाम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 5 घट गया, यहाँ 1 लिखाएगा ए, या 5 में 2 घटेगा 3, फिर ये प्लस है माइनस में जाएगा, 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा, ये तो कट गया,
रूट सिक्स यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ रूट सिक्स माइनस में है कट जाएगा, रूट फाइव यहाँ प्लस में है ये माइनस है कट जाएगा, रूट टू यहाँ माइनस गुना प्लस माइनस है, ये माइनस गुना माइनस प्लस है, एडमिन्स इसका आंसर जीरो आएगा। समझे कि नहीं प्लीज कमेंट। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक कमेंट कर मुझे जानकारी दे कि घातांक करनी इंडिसेज एंड सर्च चैप्टर आपको कैसा लगा, बिकॉज हो सकता है कि आज या कल या लेसन समाप्त हो जाएगा, फिर बाद में बचे कुछ क्वेश्चन चलते रहेंगे, अब नया लेसन आएगा, आप बताएं मुझे कमेंट कर या लेसन आपको क्या कुछ दिया कि नहीं, कुछ आपके डेप्थ को बढ़ाया कि नहीं, बाय द कमेंट प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट इंडिसेज एंड सर्च व्हाट यू गेंड बाय स्टडिंग दिस चैप्टर, आपने इस लेसन को पढ़कर क्या सीखा, क्या गेन किया, अपने फीलिंग को आप शेयर करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड है, टू रूट है एक्स जेड वाई जेड का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट बताइए, स्क्वायर रूट देखिए हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए अगर x प्लस वाई तो यहाँ रूट जेड आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं इसे 2ab मान लेते हैं, 2ab ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना था, रूट दे दीजिए आप। अब ये यहाँ दो है, दो दो कट जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस रूट जेड, ये हमारा आंसर हुआ। कभी कभी वर्गमूल के पहले जो है प्लस माइनस रूट एक्स प्लस वाई, देखिए किसी संख्या का वर्गमूल धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी, अगर धनात्मक ज़्यादा धनात्मक वर्गमूल के ही हम लोग मान्यता देते हैं, लेकिन ऋणात्मक भी वर्गमूल होता है, इससे आप बेखबर ना रहें। तो वर्गमूल कह रहा है तो यहाँ प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, दोनों चलेगा, समझे कि नहीं।
प्लीज कमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए अब जो आ रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, है क्यूब रूट वन प्लस रूट दो है, यहाँ छाव है और थ्री माइनस दो रूट दो, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी बात है ये दोनों बीच में गुना का चिन्ह है, गुना तब तक नहीं होगा जब तक आउटर दोनों का सेम नहीं हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट रूट दो प्लस वन, ये छाव है, इसे हम जैसे देखिए दो है यहाँ, दो गुना एक दुक्का दो, दो एक तीन, मतलब रूट दो माइनस वन का होल स्क्वायर दो से कटेगा ये। अब ऑर्डर सेम हो गया, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, रूट दो प्लस वन रूट दो माइनस वन, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह इसका आंसर वन आया। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट। आप लोग कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं, आप लोग दिल खोल कर कमेंट करें, लाइक भी करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में मैथमेटिक्स बाय भरत सर बताएं, शेयर करें, ताकि सभी या जो है डीप नॉलेज उसका आनंद उसका लाभ उठाकर वे अपने जीवन को उच्च स्तर का बना सके। तो कमेंट वगैरह भी थोड़ा लिखें, आगे बढ़िए। अब हम लोग देखिए अगले प्रॉब्लम में जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 14 है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 3 प्लस है 1 बटा रूट 4 प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 6, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ते हुए चला गया रूट 8 और रूट 9, इसका वैल्यू निकालना है। इसे आप सॉल्यूशन में जाकर पहले तो ये ऑर्डर ठीक करेंगे, आप रूट फाइव प्लस रूट फोर, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, इस तरह लिखाएगा ये, रूट नाइन प्लस रूट एट, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो रिपीट है ये देखिए, रूट जैसे माइनस होगा रूट फाइव देखिए कटेगा, मतलब जो रिपीट हुआ सब कट जाएगा, चार से लेकर ये नौ तक गया है, बचेगा ये थ्री और माइनस रूट फोर और प्लस रूट नाइन, थ्री माइनस टू प्लस थ्री, तीन तीन छः में दो घटेगा, इसका आंसर चार आएगा। समझे कि नहीं, प्लीज कमेंट।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का, क्वेश्चन है √5 + √3 √5 - √3 का होल स्क्वायर, √5 - √3 √5 + √3 का होल स्क्वायर का इनवर्स है। इसे हमें देखिए सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में √5 + √3 और होल स्क्वायर है, इसे जो है पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए तो अब हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तो दोनों एक ही टर्म है, 2 गुना हो जाएगा √5 + √3 √5 - √3 तो इसे जो है आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर, 8 + हो जाएगा 2√15 / 2 का होल स्क्वायर, 2 अब हो जाएगा, अब a + b का होल स्क्वायर 16 + 15 हो जाएगा 31 2ab 8√15। अब हो जाएगा ये 62 + 16√15, समझे कि नहीं प्लीज कमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + है √15 / 3/2, 4 - है √15 / 3/2 और 6 + 35 / 3/2 और 6 - 35 / 3/2 इसका वैल्यू निकालना है। यहां माइनस होगा, अब देखिए हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। ऑर्डर यहां 2 है, यहां भी ऑर्डर 2 है, सबका वर्गमूल आएगा। इसके लिए क्या करें आप, यहाँ सम संख्या होना चाहिए 8 + √15 / 2, फिर यहाँ भी 8 - फिर यहाँ 12 + √35, 6 - 12 - 2√35,
तो ये जो दो है सारा जहां से अब कट भी जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा, इसका जैसे 8 प्लस 2 रूट 15 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल क्यूब रूट। रूट 7 प्लस रूट 5 का होल क्यू रूट 7 माइनस। यहां तक समझे कि नहीं प्लीज कमेंट। अब हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए यह जो है a प्लस बी का होल क्यू और ये a माइनस बी का होल क्यू है, a क्यू बचेगा, दो गुना हो जाएगा a क्यू और माइनस इसका 3a स्क्वायर b खत्म हो जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर बी से। तो इसका बचेगा क्या, इसका हो जाएगा 6 गुना यानी 2 गुना हो जाएगा, या मैं लिख देता हूं आपको सुविधा होगा, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। इसका खाली माइनस चिन्ह लगा देंगे अल्टरनेट, ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। उसी तरह यहाँ ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और हो जाएगा प्लस बी क्यू। इसमें यहाँ माइनस का चिन्ह है, अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस हो जाएगा ए क्यू 3 हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस हो जाएगा रूट 5 का क्यू। अब आप कैलकुलेशन के लिए ये और ये देखिए कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, इसमें देखिए ये कट जाएगा 3 रूट 7 ये कट जाएगा, रूट 5 का क्यू है, फिर जो है रूट 5 का क्यू है। अब हो जाएगा ये 2 गुने रूट 5 का क्यू प्लस, अब ये जो है 3 6 6 गुने हो जाएगा रूट 5 गुने रूट 3 का स्क्वायर। फिर ये देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ जो है 3 रूट 7 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 गुना 3 रूट 7 का स्क्वायर गुना रूट 5 प्लस। फिर देखिए यहाँ ये हो जाएगा 2 गुने रूट 5 का होल क्यूब। अब आप इसका सॉल्यूशन करके लिख लेंगे, तो आप इसका कैलकुलेशन
या आपको और सुविधा कर देता हूँ, रूट फाइव कट जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर बचेगा, रूट फाइव ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आप 5 × 10 और 6 × 18 और ये हो जाएगा 2 × 21 प्लस रूट फाइव का स्क्वायर है 10, 28 बटा हो जाएगा 21 × 42 52, 4 से कटेगा 7/13 आएगा। अब मैं क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।